गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो किड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस. आई हर्ड के यू रियली डिड वेरी वेल इन योर ऑनलाइन एग्जामिनेशंस. तो आप लोगों ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है एंड थैंक यू सो मच. जो वीडियोस हम आपको भेज रहे हैं, इनफैक्ट सारे टीचर्स जो आपको भेज रहे हैं, आप रियली ऑनेस्टली बहुत अच्छी तरह से उसे फॉलो कर रहे हो. इसलिए आपने जो एग्ज़ाम दिया है ऑनलाइन का, उसमें वो भी आपने बहुत इजीली और बहुत ही अच्छी तरह से क्रैक किया है. सो कीप डूइंग वेल, इसी तरह से वीडियोस को फॉलो करो, ठीक है? अब तो आप लोग काफ़ी ट्रेन भी हो गए होंगे कैसे वीडियोस को फॉलो करना है, कैसे सीखना है उसमें से. और ऑनलाइन एग्जामिनेशन एक नई चीज़ आपने सीखी है. सो रिजल्ट आउट हुए हैं. यू ऑल ऑफ यू रियली डिड वेरी वेल. कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कीप इट अप फॉर इट. सो kids, I'm here again with one more video of English, that is product of materials. Like ये वो चीज़ हैं जो हम बहुत पहले भी फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं. जो फर्स्ट टर्म का आपने भी एग्जाम दिया है, उससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी, दैट प्रोडक्ट ऑफ मटेरियल्स, राइट? इफ यू रिमेम्बर. और मैंने वो लिख के भी आपको दी थी. सो आई डोंट थिंक इसे ज़्यादा हम डिटेल में मुझे पढ़ाने की ज़रूरत होगी, बट स्टिल लेट्स टेक अ रिवाइज, ठीक है? सो वॉट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मटीरियल्स? प्रोडक्ट ऑफ मटीरियल मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मटीरियल्स. मटीरियल मीन्स जिस सामान से कुछ बनता है, मैन्युफैक्चर होता है. किसी सामान को यूज करके जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मटीरियल्स. लाइक मिल्क इज अ मटीरियल, ठीक है? और इससे क्या बनता है? स्वीट्स एंड बटर. मिल्क से क्या बनता है? मिठाइयाँ बनती हैं, मक्खन बनता है, मलाई बनती है, लस्सी बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है? बट राइट नाउ मैं आपको सिर्फ दो ही बता रही हूँ, ठीक है? अगर आपको इससे ज़्यादा पता है तो लिखते वक्त आप उस जितने आपको आते हैं आप लिख सकते हो. से लाइक मिल्क का मैंने लिखा स्वीट्स एंड बटर. अगर आपको जैसे लस्सी भी हो गई, देन जिसे हम बटर मिल्क बोलते हैं, देन लाइक क्रीम हो गई, ठीक है? देन तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हो, राइट? चीज़ इज देयर, ठीक है? ये सब आपका मिल्क से ही बनता है. नेक्स्ट इज वूल. वूल इज अ ऊन. ऊन जो गर्म कपड़े जिससे बनते हैं उससे क्या क्या बनता है? कैप एंड कोट, जो हम ठंड में पहनते हैं. अपने कानों को ढकने के लिए कैप पहनते हैं और अपने शरीर को ढकने के लिए, ठंड से बचने के लिए कोट पहनते हैं. फॉलोइंग बाय नेक्स्ट वन इज लेदर. लेदर होता है चमड़ा, जिससे क्या बनाया जाता है? शूज बनते हैं और बैग बनते हैं, बेल्ट भी बनती है, ठीक है? नेक्स्ट इज आयरन. आयरन बोलते हैं हम लोहे को. लोहे की तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बस, कार, साइकिल. आपका जो घर बना है उसमें भी लोहा यूज हुआ है, ठीक है? सो दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ आयरन. नेक्स्ट इज नीम. नीम इज अ एंटीसेप्टिक लीव्स. नीम इज अ एंटीसेप्टिक लीव. ये एक ऐसा पेड़ है जो दवाइयाँ बनाने के काम में आता है, जिसकी पत्तियाँ दवाइयाँ बनाने के काम में आती हैं. तेल भी बनता है, साबुन भी बनता है. जिस इनकी स्किन की प्रॉब्लम है वो नीम का साबुन लगाता है. जिसे स्कैल्प हेयर की प्रॉब्लम है, हेड स्कैल्प की प्रॉब्लम है, वो नीम का ऑयल लगाते हैं. सो दिस इज अ एंटीसेप्टिक लीव. क्ले बोलते हैं हम मिट्टी को. क्ले से क्या बनता है? हट, झोपड़े बनते हैं, मतलब झोपड़ों की दीवारें बनती हैं. नेक्स्ट इज पॉट, घड़ा बनता है. गोल्ड इज अ मेटल. गोल्ड किसे बोलते हैं? हम सोने को बोलते हैं. सोने मीन्स गोल्ड. सोना मतलब वो खा पी के सोने वाला, आंख बंद करके सोने वाला सोना नहीं है. दिस इज मेटल, जिससे बैंगल्स बनती, रिंग्स बनते, इयररिंग्स बनते हैं, फिर ब्रेसलेट्स बनते हैं. मम्मी पहनती है ना, गोल्ड के बैंगल पहनती है आपकी, गोल्ड की इयररिंग्स पहनती हैं. वो किससे बनता है? गोल्ड से बनता है. सिल्क इज अ फैब्रिक. ये एक फैब्रिक मीन्स ये कपड़ा है एक तरीके का. और इस सिल्क कपड़े से क्या क्या बनता है? धोती बनती है, साड़ी बनती है, ठीक है? जूट से बनता है बैग, ठीक है? और जूट किससे बोलते हैं? इसे रस्सी बनती है ना, रस्सी जिस चीज से बनी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? जूट. जो बोरे बनते हैं वो किससे बनते हैं? जूट से बनते हैं, ब्राउन कलर का होता है.
तो उससे बैग भी बनता है, फुट मैट भी बनता है। फुट मैट मीन्स जो हम अपने डोर के, घर के दरवाजे के सामने में डालते हैं ना, इसको जिस पे पैर साफ करके हम अंदर आते हैं, सो दैट इज फुट मैट। एंड द लास्ट वन इज वुड। वुड होती है लकड़ी, लकड़ी से बनती है चेयर यानी कुर्सी, डोर यानी दरवाजे। तो ये चीजें हैं, दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज मटेरियल्स। ठीक है, सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज दैट, आपको पता ही है, मैं फिर से बोल रही हूँ, लर्न एंड राइट सेम अगेन। इसे लर्न करो और लिखो, लर्न करो लिखो, फिर इसे फेयर करो। ठीक है, सो ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि आपका रिजल्ट मैंने देखा है, बहुत अच्छा हुआ है। सो नाउ आई एम प्रेटी श्योर कि मेरे स्टूडेंट्स को मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत जल्दी इजिली कैच कर रहे हैं। पहले मैं ज़्यादा बोलती थी क्योंकि मुझे लगता था शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रही, इसलिए मैं कोशिश करती थी जितनी अच्छी तरह समझा सकूँ। बट राइट नाउ आई नो आपका रिजल्ट देख कर लग रहा है कि आप लोग काफ़ी अच्छी तरह से ही समझ रहे हैं अपनी पढ़ाई को। सो ऐसे ही चलते जाओ, कीप गोइंग एंड कीप डूइंग वेल। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।